व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में से सारे एप्लीकेशंस के एडवर्टीजमेंट रिमूव कर सकते हो। चाहे कोई आप गेम डाउनलोड करो प्ले स्टोर से या फिर कोई ऐप डाउनलोड करो, सारे के सारे एडवर्टीजमेंट उस गेम या एप्लीकेशन से रिमूव हो जाएंगे। और गाइस, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करने नहीं बोलूँगा, बस आपको कुछ सेटिंग्स बताऊँगा जिसे आपको फॉलो करके अप्लाई करना होगा। और फिर उस सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद कोई भी आप एप्लीकेशन खोल लीजिए, जैसे कि या फिर कोई ब्राउज़र खोल लीजिए, कोई गेम ओपन कर लीजिए, उसमें आपको एक भी एडवर्टीजमेंट देखने नहीं मिलेगा। तो गाइस, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। गाइस, सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। देन सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट स्क्रॉल डाउन करिए एंड यहाँ पे आपको प्राइवेट DNS देखने को मिलेगा। अब प्राइवेट DNS को आपको सेलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे आपका जो सेटिंग है वो ऑटो पे रहेगा, तो ऑटो पे से हटा के हम लोग को यहाँ पे प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम पे क्लिक करना होगा। देन इस पे सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको टाइप करना है dns.edgar.com, ये टाइप कर लेना है फटाफट। गाइज, ये टाइप करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करते हो, सारे के सारे एडवर्टीजमेंट रिमूव हो जाएंगे। बहुत ही ईजी स्टेप था गाइस। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा शाओमी का डिवाइस है। तो अगर आप शाओमी यूज़ कर रहे होंगे फ़ोन, तो आपको ये सेम सेटिंग आपके शाओमी फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर आप सैमसंग यूज़ कर रहे हो या फिर मोटरोला यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी दूसरा एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो उसमें भी ये सेटिंग्स होता है, लेकिन उनके नाम अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं वन प्लस का फ़ोन ले लेता हूँ, मेरे पास वन प्लस का भी फ़ोन है। अब इसके अंदर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वाईफाई नेटवर्क पर क्लिक करूँगा। एंड वाईफाई नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधा ऑप्शन दे दिया गया है प्राइवेट DNS का। उस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे भी मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, dns.edgar.com ऐड कर देता हूँ इसमें, एंड इसका भी चेंज हो जाएगा। तो गाइज, देखा आपने, ये भी सेम एंड्रॉयड डिवाइस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों कस्टम रॉम अलग है, मतलब जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसका कस्टम रॉम अलग होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इन्फिनिक्स फ़ोन का भी मॉडल दिखा देता हूँ कि उसके अंदर कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। इन्फिनिक्स में गाइज, यहाँ पे क्या करना है कि मैं सेटिंग्स में चले जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद गाइज, यहाँ पे मैं अब आपको एक और तरीका बताता हूँ प्राइवेट DNS ढूंढने का, अगर आपको वो मिलता नहीं है अपने फ़ोन में। तो आपको बस यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको DNS टाइप करके प्रेस करना है एंटर। एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइवेट DNS का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, जो कि ऑटोमेटिक पे है। तो यहाँ पे भी मैं सेम dns.edgar.com डाल के एंटर मार देता हूँ, एंड सेम इस डिवाइस में भी मेरा जो है एडवर्टीजमेंट रिमूव हो गया। तो गाइज, यहाँ पे मैंने तीनों अपने एंड्रॉयड डिवाइस में अपना होस्ट नेम चेंज कर दिया है, आप देख सकते हो। और अगर मैं अभी इसमें कोई भी गेम खेलूँ, तो इसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट देखने नहीं मिलेगा मुझे, एंड आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। एंड गाइज, ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी। तो गाइज, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।